हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। तो बहुत ही सुहाना मौसम है, गर्मी है यहाँ पे, समर्स भी लाइक बहुत अच्छा है। कनाडा की सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है और ज़्यादा गर्मी भी। तो गाइस, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि डेली मतलब मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है खाने पीने का, रहने का, और सारी भी जो छोटे मोटे खर्चे मिला के कितना एक्सपेंस आता है आपका। तो एक्सपेंस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेंट की। जो मेरे रूम का रेंट है फ़िलहाल वो $1,770 है। एक हमने अपर हाउस लिया जिसमें 5 लोग रह रहे हैं। ये 3 BHK रूम है, तो पर पर्सन जो होता है वो आता है $354 पर मंथ। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है फर्स्ट और लास्ट मंथ की। फर्स्ट और लास्ट मंथ की आप सिक्योरिटी दोगे, तो सिक्योरिटी देने के बाद क्या होगा, अगर आप घर छोड़ोगे तो आपको लास्ट मंथ का रेंट नहीं देना पड़ेगा, उससे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीज़ कहते हैं उसे हम। लीज़ होती है 1 साल की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की भी होती है। एक लीज़ होती है, एक सब लीज़ होती है। जो सब लीज़ होती है वो क्या होता है, सब लीज़ में अगर आपको नहीं रहना, आप अपनी जगह किसी बंदे को रिप्लेस करके अपना नाम की जगह उसका नाम डाल सकते हो, तो वो सब लीज़ होती है। तो हो गया ये रेंट का। फिर आती है हमारी ग्रोसरी। ग्रोसरी में जब आप शुरू शुरू में आओगे तो आपके थोड़े ज़्यादा खर्चे होंगे, क्योंकि डिटर्जेंट लेना है, कपड़े धोने का साबुन लेना है, मतलब कपड़े धोने का डिटर्जेंट लेना है। तो उसके बाद लेने के बाद तो आपका कम से कम $200 से $250 खर्चा आ जाएगा। तो मे बी कम भी आ सकता है अगर ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि पर शेयर तो कम ही पड़ेगा। तो पर पर्सन की हम ग्रोसरी लगा लेते हैं $150। तो $150 पर पर्सन की ग्रोसरी लगा लेते हैं, तो ये तो हो गया सीधा सीधा $500। फिर आता है ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग का जो है कॉनेस्टोगा कॉलेज का इतना बढ़िया सिस्टम है, $292 में बस पास मिलेगा 4 मंथ्स के लिए। 4 मंथ्स मतलब एक सेमेस्टर के लिए आपको एक बस पास मिलेगा। आपका एक वन कार्ड बनता है कॉनेस्टोगा कॉलेज में। वन कार्ड एक कार्ड होता है जिससे आप कहीं भी, मतलब हमारा जो रिक्रिएशन सेंटर है जहाँ मैं जिम जाता हूँ, वहाँ पे पहले आपको वन कार्ड स्कैन कराना पड़ेगा। वन कार्ड स्कैन कराने के बाद तभी आप अंदर जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। फिर ऊपर जाके भी एक स्कैन करना पड़ता है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन पता लगे कि कौन बंदा आया है जिम में, ठीक है। और ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी होता है कि कोई ऐरा गैरा बंदा ना आए, सिर्फ स्टूडेंट्स आएँ और जिन्होंने मेम्बरशिप ली है वो आएँ। तो फ़िलहाल बात होगी $500 और ट्रैवलिंग की $292। तो पहले वो तो 4 मंथ की है, $292, $70 आप पर मंथ लगा लो, तो $600 लगा लो ये सारा टोटल मिला के। $600 ये हो गया, बाकी खर्चा हो गया फ़ोन का। अगर आपने सिम ले ली, सिम ही लेनी है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे किस टाइप के फ़ोन चलते हैं, सभी टाइप के फ़ोन चलते हैं जो 4G नेटवर्क सपोर्ट करता है, सभी टाइप के फ़ोन चलते हैं। तो अगर आपके पास एयरटेल का सिम है, आप एयरटेल का सिम ला सकते हो, क्योंकि एयरटेल का यहाँ पे चलता है। बट मैं उसको यूज़ क्यों नहीं करता, क्योंकि इंटरनेशनल रोमिंग में जितना मैं ज़्यादा पैसा खर्चता हूँ ना, उतने में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उससे सस्ता मुझे यहाँ का सिम है। हालाँकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है बना है वो मैंने एस्टन प्लस, आप क्वालिटी देख सकते हो आगे से बढ़िया होगी है वीडियो की, तो एस्टन प्लस लिया है और वो बेल का सिम है। तो बेल का सिम लेने के बाद उसे ये प्लान मेरा $113 का पड़ जाता है। तो ये ग्रोसरी होगी आपका 700-800 तक का, मतलब मोबाइल को मिला के अगर आप मोबाइल नहीं लेते हो तो $750 या $600 हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद इतना खर्चा होने के बाद आपको मैक्सिमम आपका खर्चा आ सकता है $900, ठीक है। बात करते हैं जॉब की। अभी किचनर में मुझे जॉब मिली नहीं है, जब मिल जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा मैंने कैसे वो जॉब ली, क्या किया मैंने, क्या स्टेप्स फॉलो किए और आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो अच्छी लगी वीडियो तो, और नज़ारा अच्छा लगा तो, आपको व्लॉग कैसे चाहिए, नज़ारे दिखाऊँ आपको, मॉल दिखाऊँ, क्या क्या दिखाऊँ, कमेंट करिएगा और अपने क्वेश्चन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए। Love you so much. Have a nice day. Bye-bye. Take care.